हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। मेरे पास है यहां पे रेडमी नोट 6 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो और रियलमी U1। तो यहां पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों फोन में से कौन सा फोन जो है सबसे ज्यादा फोन को फास्ट स्पीड से चार्ज करता है, यानी कि हम लोग इसकी फास्ट चार्जिंग की टेस्ट करेंगे। वैसे तो मुझे पहले से पता है और आपको भी पता है कि Redmi Note 5 Pro, Note 6 Pro फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ ही जो Realme U1 है इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये कितना पावर से चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसका चार्जर हमें कितना सपोर्ट देता है। लास्ट टाइम मेरी वीडियो जो आई थी फास्ट चार्जिंग के ऊपर, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था, गाली वाले बातों को छोड़ के मेन बात पे आते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई तुम्हारा जो है एडेप्टर खराब है, ये सही चार्जिंग नहीं देता है। तो भाई मैंने जो है एक नया फास्ट चार्जर ले लिया है जिसका नाम मैंने NFC रखा है। NFC का मतलब होता है न्यू फास्ट चार्जर, ठीक है, मतलब मेरे सारे चार्जर्स के एक नाम है, अडेप्टर के सारे नाम है, ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए। साथ ही साथ मेरे डेटा केबल्स पे भी नाम लिखे हुए हैं कि वो किस फोन में यूज होते हैं। कुछ देखो इस तरह से यहाँ पर सब पे मेंशनड है, जैसे ये इस पे मेंशन है, या इस पे देखो Redmi 6 Pro लिखा हुआ है। तो मुझसे जो है कभी भी गलती नहीं होती है, मैं वही चार्जर या डेटा केबल यूज करता हूँ जो हमें बॉक्स में जिस फोन के साथ देखने को मिला है। तो फास्ट चार्जिंग बताने के लिए या चार्जिंग बताने के लिए मेरे पास है ये जो है ये एक वोल्ट मीटर है और ये चार्जर डॉक्टर से भी जाना जाता है। तो इसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस, मैं बता सकता हूँ कि फोन में कितनी स्पीड आ रही है चार्जिंग की, ठीक है, और नया फास्ट चार्जर तो है ही। तो सबसे पहले हम लोग तीनों फोन का एक एक करके बेसिक स्पीड देख लेते हैं कि बेसिक चार्जिंग स्पीड जो है वो तीनों फोन का क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे U1 का, ठीक है, तो U1 देख लेते हैं कनेक्टेड। तो U1 जो है यहां पे कनेक्ट हो गया है और आप देख सकते हो कि U1 का जो अडेप्टर है वो अभी 0 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है, 0 एम्पेयर, 5 वोल्ट, 4.97 वोल्ट और 1 एम्पेयर नहीं दिखा रहा है, या 2 एम्पेयर इसलिए क्योंकि मैंने जो है इसको अलग करके रखा है फोन से। तो यहां पर मैं इसे अभी फोन से कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद पता चलेगा कि जो है स्पीड है वो क्या आ रही है। तो देखो ये कहां गया, जैसा आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया है और चार्ज ले रहा है हमेशा की तरह। इस बार भी इन लोगों ने कोई भी नोटिफिकेशन लाइट तो दी नहीं है, जो कि बहुत गंदी बात है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 0.82 एम्पेयर के अप्रोक्स का है और इनका चार्जर जो है, मतलब अडेप्टर जो है वो भी 4.92 से ज्यादा नहीं सपोर्ट दे रहा है, यानी कि 0.82 का सपोर्ट आपको मिल रहा है देखने को। ओके, तो यहां पर तो ये इसकी हो गई फास्ट चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग की टेस्टिंग। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसको दिखाता हूं कि ये शाओमी के चार्जर से क्या सपोर्ट देता है, ठीक है, ताकि ये भी देख ले कि कहीं इसका इंटरनल जो चार्जर हमें मिलता है उसी में हो सकता है कि दम ना हो। खैर, तो यहां पर देखोगे भाई तो चार्जर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे चार्जर जो है वो 5.12 वोल्ट दिखा रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेडमी का चार्जर का स्पीड, और जो सपोर्ट दे रहा है फोन को वो 1.37 एम्पेयर का दे रहा है। अब मैं क्या बोलूं यार, मैं ये बात जानता था, मुझे शक था कि इन लोगों का जो अडेप्टर होता है ना वो घटिया होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई इतने ज्यादा पावर के चार्जर से आपके फोन को चार्ज करने से फोन खराब हो जाता है। तो मेरे भाई ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि जब ये फोन सपोर्ट कर रहा है इस वोल्टेज को तो ही यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, और जब ये सपोर्ट कर रहा है तो ये खराब नहीं होगा। अगर इसके सपोर्ट से ज्यादा वाला लगा दो तब चांसेस है, बट अभी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहां पर जो है 5.18-20 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, और एम्पेयर वोल्ट है जो कि चार्जिंग वाला होता है वो 1.37 तक फ्लक्चुएट कर रहा है, 1.37-1.38 पे ये वाला फ्लक्चुएट कर रहा है। अब देखते हैं कि फास्ट चार्जर से इसकी जो हालत है वो क्या हो जाती है, ठीक है, और फास्ट चार्जर पे अभी तक मैंने कनेक्ट नहीं किया था इसको, अब मैं कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे फास्ट चार्जर पे कनेक्ट कर दिया और फास्ट चार्जर पे आप देख सकते हो 5.1 वोल्ट दिखा रहा है और एम्पेयर सपोर्ट 0.82 दिखा रहा है। तो फास्ट चार्जर जो मेरा था वो यहाँ पे उल्टे तरीके से फेल हुआ है, यानी कि फास्ट चार्जर की स्पीड फास्ट वाली आ नहीं रही है, 0.83-0.82 मतलब इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, 0.83-0.82 पर बढ़िया से ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब ये तो हो गया Realme U1 का टेस्ट, U1 की यही टेस्टिंग थी। अब इसको हम लोग हटाते हैं और अब हम लोग दोबारा टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं Redmi Note 6 Pro से, क्योंकि Note 5 Pro पुराना हो गया है तो उसको हम लोग थर्ड नंबर पे यूज करेंगे। हालांकि अभी भी जो यूजर बेस है ना वो जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है Note 5 Pro का, क्योंकि Note 6 Pro अभी नया आया है, ऊपर से मार्केट उसका डाउन हो गया है, तो कहना मुश्किल है कि क्या वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, कैसा चलेगा नहीं चलेगा, उसकी जिंदगी मतलब समझ लो कि दो नाव पर है।
तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे जरूर से इससे भी चार्ज करना चाहूंगा, रियलमी के चार्जर से, कि इसको भी देख लें। तो अभी भी आप देखोगे अगर हम लोग रेडमी नोट 6 प्रो को चार्ज कर रहे हैं, रेडमी नोट 6 प्रो में भी उल्टा कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखो मैंने रेडमी नोट 6 प्रो को चार्ज में लगा दिया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो अडेप्टर है ओप्पो का यानी कि रियलमी का, वो 1.87 का सपोर्ट दे रहा है रेडमी नोट 6 प्रो को, ठीक है। 1.87 और 1.8788 पे फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। और 5 वोल्ट का जो है ऐसे चार्जिंग आ रहा है, 5 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है चार्जर, और यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है 4.98 से फ्लक्चुएट कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो Xiaomi का हमें नॉर्मल चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिला है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स वाला चार्जर है वो 5.28 एम्पेयर का सपोर्ट दे रहा है और 1.90 एम्पेयर तक जा रहा है, ठीक है। 5.28, 29, 30 वोल्ट दे रहा है ये चार्जर, सपोर्ट ले रहा है मतलब, और एम्पेयर वोल्ट जो है इसका 1.9293 पे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि रेडमी, आगे कंक्लूजन बताऊंगा, अब आगे देख लेते हैं हम लोग नोट 5 प्रो को, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका फास्ट चार्जर तो बच गया यार, फास्ट चार्जर तो इसका मेन चीज था। ओके, तो Xiaomi का हमारा फास्ट चार्जर था, मैं उसको भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे Xiaomi का फास्ट चार्जर जो है पता नहीं क्यों ये अभी भी 5 वोल्ट नहीं दिखा रहा। हाँ दिखाया दिखाया दिखाया, ये देखो इसका एम्पेयर सपोर्ट देखो 2.24, 2.10, 2.24 पे लिखो एम्पेयर, मतलब देखो एम्पेयर, और चार्जर जो है 7.56 तक जा रहा है क्योंकि ये एक फास्ट चार्जर है, ठीक है। 7.06 वोल्ट का अडेप्टिंग सपोर्ट दे रहा है, क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है हमारा Redmi Note 6 Pro, और इतना काफ़ी है आई थिंक आपको देखने के लिए। 7 वोल्ट तक तो जा ही रहा है, मतलब मैं खुश हो गया यार, मतलब मेरा फ़ोन अब जल्दी चार्ज होने वाला है, मतलब इस बात से मैं पूरी तरह से खुश हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको हटाते हैं, हटाते क्या है, इसको यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ पर हम लोग Redmi Note 6 Pro से हटा करके केबल जो है Redmi Note 5 Pro में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो Oppo जब हमने कनेक्ट किया है Redmi Note 5 Pro में तो क्या सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 5.5 वोल्ट का तो सपोर्ट आ रहा है अडेप्टर से, अभी 5.5 तक मैक्सिमम जा रहा है, 5.2, और एम्पेयर सपोर्ट जो है वो 1.21 एम्पेयर है, यानी 1.21 एम्पेयर है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं और लेके चलते हैं Redmi Note 6 Pro के नॉर्मल चार्जर पर और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है 5.13 से 5.14 वोल्ट का सपोर्ट, और एम्पेयर जो है वो 1.40 एम्पेयर तक जा रहा है, तो 1.40 यानी 1.40 41 जो बोलो फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी 30 31 पर भी आ गया है डाउन होकर के, और 27 पर भी आ गया है। खैर ये हो गया, तो अब लेके चलते हैं इसको सीधा फास्ट चार्जर पे, क्योंकि फास्ट चार्जर पे कनेक्ट करने पर तो भैया इसकी भी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है देखो चार्जर जो है वो 6.60 तक गया था, यानी 6.60 तक गया था, 6.60 तक गया था, और 7.43 तक चला गया, 7.43 तक, तो वहां पर 7.0 समथिंग पे फ्लक्चुएट हो रहा था, यहाँ पर 7.43 तक चला गया। और एम्पेयर सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है Redmi Note 5 Pro में फास्ट चार्जिंग से 1.58 का, 1.58 से 1.62 तक फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया, अब फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं कि फाइनल जो हमें रिजल्ट मिला है इन तीनों चार्जर का और इन तीनों डिवाइसेस का, कि कौन सा फ़ोन जल्दी चार्ज होगा और कौन सा फ़ोन जो है क्या स्पीड देता है, तो उस बारे में मैं अब आपसे बात करता हूँ यहाँ पर। ओके भाई लोग, तो बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की, जो कि हमने रिजल्ट लिख लिया था बढ़िया से, ठीक है। और अब तीनों फोन यहाँ पे रखे हुए हैं, तीनों के चार्जर आपको पता है, आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर मिलता है पहले हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। रियलमी के आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर से हमें 0.82 एम्पेयर का सपोर्ट मिलता है विथ 4.93 वोल्ट्स, ठीक है। खैर देखो तो यहाँ पर जो है 1.93 एम्पेयर का सपोर्ट दे रहा है विथ 5.28 एम्पेयर चार्जिंग। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा जो बॉक्स वाला चार्जर है Redmi Note 6 Pro का, वो Realme के बॉक्स वाले चार्जर से तो वैसे ही ज्यादा चार्ज देता है, और Redmi Note 5 Pro का जो हमारा बॉक्स वाला चार्जर था उसका अगर स्पीड देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Redmi Note 5 Pro का यहाँ पर नॉर्मल चार्जर से जो है 1.4340 का स्पीड हमें देखने को मिलता है,
जो कि कहीं ना कहीं रियलमी U1 से ज्यादा है। तो अगर बात करें जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एडेप्टर्स मिलती है उसकी, तो भैया फर्स्ट नंबर पे आता है रेडमी नोट 6 प्रो, सेकंड होता है रेडमी नोट 5 प्रो, और थर्ड होता है रियलमी U1। ठीक है, लेकिन इस यहीं पे खत्म नहीं होता है। जब हमने रियलमी U1 के चार्जर से रेडमी सॉरी पहले फास्ट पे ही चले आते हैं सीधे। फास्ट चार्जर यहां है, पूरा फास्ट चार्जर। ठीक है, फास्ट चार्जर आप देखोगे जब हमने U1 को चार्ज किया फास्ट चार्जर से, तो उसने 0.83 एम्पेयर का सपोर्ट दिया। इससे साफ पता चलता है कि रियलमी U1 जो है वो कहीं से भी फास्ट चार्जिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वहीं Redmi Note 6 Pro ने 2.24 एम्पेयर का सपोर्ट दिया विथ 7.56 वोल्ट, जिससे साफ पता चलता है कि ये क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, और Redmi Note 5 Pro क्विक चार्ज 2.0 को सपोर्ट करता था, इसलिए ये 1.58 एम्पेयर का सपोर्ट देता है विथ 7.43 वोल्ट। ठीक है, तो आपने देख लिया फास्ट चार्जर पर। अब बात करते हैं कि एक दूसरे के चार्जर से क्या हुआ। तो जब हमने Realme U1 को चार्ज किया था रेडमी नोट 6 प्रो के चार्जर से, तो वो जो है रेडमी नोट 6 प्रो के 2 वोल्ट वाले चार्जर से, तो वो जो है U1 के फास्ट चार्ज मतलब U1 के आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर से ज्यादा बेटर था। इससे पता चलता है कि रियलमी U1 के बॉक्स के अंदर जो आपको एडेप्टर दिया गया है उसकी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि रेडमी नोट 6 प्रो के 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के एडेप्टर से ज्यादा करेंट सप्लाई दे रहा था। साथ ही साथ जब फास्ट चार्जर सपोर्ट कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, तब भी ज्यादा दे रहा था एज कंपेयर टू बेसिक उसका जो चार्जर था। ठीक है, और Redmi Note 6 Pro की बात करें तो ये जो है 1.93 से 2.24 चला गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है बेटर हो गया। ठीक है, अगला तीसरा Redmi Note 5 Pro, ये भी जो है ये ज्यादा बेटर नहीं हुआ था, बट हाँ Redmi Note 6 Pro में बहुत ज्यादा बेटर हो गया। तो अगर देखा जाए तो Redmi Note 6 Pro को अगर 2 घंटे चार्जिंग होने में लगता है, 2 से 2.5 घंटा लगता होगा 5 वोल्ट 2 एम्पीयर से, मैंने अभी फुल टेस्ट नहीं किया बट मैं बता रहा हूँ यही अप्रोक्स वैल्यू होगा, तो वो जो है यहाँ पर करीब करीब 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट में जो है फुल चार्ज 100% हो जाएगा Redmi Note 6 Pro। ठीक है, लेकिन आपका जो Note 5 Pro है उसको फास्ट चार्जर से चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली लगेंगे कम से कम 1 घंटा 50 से 55 मिनट, 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर U1 को चार्ज करोगे तो 2 घंटा प्लस ही लगेगा। U1 को उसके ऑफिशियल चार्जर से चार्ज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, एक अंदाजा बता रहा हूं। अगर 2.5 घंटे लगेंगे तो उसको Redmi Note 6 Pro के चार्जर से चार्ज करने पर 2 ही घंटे लगेंगे, क्योंकि एम्पेयर सपोर्ट में फर्क हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे एक बात कि भाई फोन के अंदर जितनी चार्जिंग होती है, अगर मतलब 50% से कम है चार्जिंग तो ज्यादा फास्ट होता है चार्ज, और 90% होने के बाद जो चार्जिंग होती है उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप रियलमी पे फोकस करोगे तो इसके अंदर 50% से कम चार्ज है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, इसके अंदर 50% से कम चार्ज है। बात करें अगर मेरी Redmi Note 5 Pro की, तो इसके अंदर 75% चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा बोल सकते हो बट वो चीज जो है वो 90 के बाद काम करती है। और अगर मैं बात करूँ Redmi Note 6 Pro की, तो Redmi Note 6 Pro के अंदर जो है बहुत ही कम चार्ज है यार, इसके अंदर तो मतलब 10-15% चार्ज है। तो ये था भाई फाइनल रिजल्ट्स। अगर आपके पास Redmi का चार्जर है यानी कि 2 एम्पेयर और 5 वोल्ट वाला, तो आप अपने U1 को उसी से चार्ज करो, क्योंकि U1 का जो बेसिक चार्जर है उसकी स्पीड एकदम खत्म है। मैंने C1 में भी दिखाया था कि चार्जर की स्पीड नहीं थी अच्छी, Realme 2 Pro में भी नहीं अच्छी थी, Realme 2 में भी अच्छी नहीं थी, Realme 1 में भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो जो ये आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर आपको देते हैं उसकी क्वालिटी और स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, जितना कि वो बॉक्स पे लिखते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाया है, 100% वीडियो जो है जेन्युइन है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको शाओमी का नॉर्मल चार्जर चाहिए 2 एम्पेयर वाला 5 वोल्ट वाला, तो वो आप शाओमी के MI के साइट से ले लो। ठीक है, और अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो वो भी आप वहां से ले सकते हो, दोनों ही अवेलेबल है। तो लिंक देना कुछ जरूरी नहीं है, वो आपको इजिली मिल जाएगा। इस वीडियो में पसंद आई, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव अ ग्रेट डे।